thank you

डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ बोरिंग एवरी डे शेड्यूल स्टडी फुल थ्रोटल दिस इज प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स सी ये फैक्ट एग्जाम फैक्ट सीरीज़ है इसको मैंने पहले प्रोमिस किया था मैं वीडियोज़ के थ्रू ये कवर करा दूंगा बट वीडियो बनाने का अभी थोड़ा टाइम क्रंच हो रहा है सो फॉर दैट रीजन ये जितने भी हैं पी के जितने भी वन बाय वन है ये सारे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे तो इनको डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे जैसे आज मैंने शेयर किया दिल्ली सल्तनत का अरब इन्वेजन का इससे पहले एंशेंट इंडिया ये पूरा हमारा कवर हो गया है इन दीज आर रियली गुड वन लाइनर्स वन लाइनर्स ये सब टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जैसे ये वन लाइनर्स है तो आप क्या करो आप डेली बेसिस में ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ एवरीडे बेसिस पे अराउंड फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी ये जो फैक्ट्स है उसको याद करते चलो ये आपको बहुत काम आएगा तो आज जैसे मैंने शेयर किया है दिल्ली सल्तनत का तो आपका होमवर्क है कि ये जितने भी थर्टी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट दिल्ली सल्तनत इसको डेली बेसिस पे आप याद कर लो ठीक है अब इसके अलावा कुछ और होमवर्क भी जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसका ये बहुत अच्छा कंपाइलेशन है इस एक सिंगल चार्ट में हमारी ये सारी बॉडीज़ कवर हो रही है बहुत ब्यूटीफुली तो आपका अब होमवर्क है ए फोर साइज़ का पेपर लो और ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें वो उन पे आप लिख के उसको कंपाइल करो सो आज का जो आंसर राइटिंग सेशन है आंसर राइटिंग सेशन का भी यही सवाल है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दी हुई है इन सब का आप इस पी के रेफरेंस को लेते हुए एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन तैयार करिए ये जितनी भी बॉडीज़ है डू दिस एक्सरसाइज और आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा बाकी लाइव क्लासेस कॉन्टीन्यूड है लाइव क्लासेस में दो क्लासेस और चाहिए और हम ये पूरा पॉलिटिकल डायनमिक्स कवर कर लेंगे और इसके साथ ही हमारा एट्टी आउट ऑफ एट्टी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक पूरा कवर हो जाएगा दिस इज़ रियली रियली गुड फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था और विद इन विद इन थ्री मंथ्स टू एंड हाफ मंथ्स ये पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो गई है दिस इज एक्स्ट्राऑर्डनरी एक्स्ट्राऑर्डनरी अब आप अपने एंड से इसको अच्छे से रिवाइज करिए तो सी ये जैसे प्रलिम्स कोर्स है इसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली है अभी आपका हिस्ट्री भी कम्प्लीट हो जाएगा एंशियंट और मेडाइवल के नोट्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं मॉडर्न अभी कम्प्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स जोग्राफी हम फर्स्ट ऑफ जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर डेली है और बस इकोलॉजी के जो माइंड मैप्स हैं उनको आपको देखना है और बाकी बाकी जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं वो हम सब राउंड टू में करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी में आपका नोटिफिकेशन आएगा ओके सो वी आर स्टडिंग एवरीथिंग वेरी वेरी सिस्टेमेटिकली आपको बस डिसिप्लिन होके इस पूरे में थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ पे एफर्ट्स डाल ले होंगे दैट्स ऑल हमारा बहुत ईजीली एग्जाम क्वालिफाई होगा ट्वेंटी ऑफ मे का दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड मैथड लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे इस बार तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आप बस स्टडी करो फुल थॉटल

पेन गायरिक का मतलब होता है एक सार्वजनिक भाषण है पब्लिक स्पीच है पब्लिश्ड टेक्स्ट है इन प्रेज ऑफ समवन और समथिंग रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिदंड पनिशमेंट पेनल्टी, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन एज वेंजेंस फॉर अ रॉन्ग और क्रिमिनल एक्ट अबोर्ड मतलब वो निवास स्थल है अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस अ हाउस ऑफ होम सीडिंग है क्रोध में ब्लेजिंग रेजिंग रैंकलिंग कभी भी हमारे जो एक्शन है वो ड्रिवन बाय एंगर नहीं होने चाहिए सो दिस इज ब्लेजिंग रेजिंग एंड रैंकलिंग सो दिस इज सीडिंग दिस इज अबोर्ड, दिस इज रेट्रीब्यूशन दिस इज पैनगैरिक दिस इज गॉस्पल तो ये वो कैब वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो सिमिलरली क्विज में भी वी आर डूइंग सो वेल क्विज नंबर टू वन सिक्स के आंसर्स हैं पंडिता रामाबाई जी ने शारदा सदन अ स्कूल फॉर इंडियन विडो लॉन्च किया था आचार्य विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह नाइनटीन फोर्टी में पावनेर इन महाराष्ट्र में हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर थे बहादुर शाह टू मुगल एम्प्रर थे 1857 रिवोल्ट में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये लिखा है बिस्मिल अजीमा वादी ने आज के सवाल हैं हु वॉज द वाइस रॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट Which act ended the trade monopoly of the East India Company? Who devised the Mahalwari settlement? When was the first passenger train run in India? And what was the Woods Dispatch about? So, ये पांच सवाल है आज के लिए. C set में भी see this these are really easy questions. आप इसका solution मैं आपको provide कर रहा हूँ. Just go through. अगर in case कोई doubt आता है, तो आप मुझे उसे comment section या WhatsApp में भी पूछ सकते हो. But these are really easy questions. तो इसको आप daily basis पे solve करो. कॉन्सेप्ट एक बार समझने के बाद सी सेट इज मोर एंड मोर अबाउट प्रैक्टिस 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 मोर दैट्स ऑल सिमिलरली यहां सिंपल मल्टीप्लीकेशन था सो द राइट आंसर इज दिस डी अब सिमिलरली आज के सवाल हैं ये क्विज है मेंटल क्विज है ये कंडीशन दिया हुआ है अब आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द स्टेटमेंट्स इन दोनों का और ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है तो अगेन आंसर दिस क्वेश्चन सोशल मीडिया अपडेट भी बहुत ऑसम awesome सेक्शन है इसमें हम कल्चर इंडियन कल्चर पे काफ़ी एम्फेसिस कर रहे हैं तो सी कल्चर भी ट्रेडिशनल नहीं हमें जो अभी रेलेवेंट है और गवर्नमेंट जिसपे एम्फेसिस कर रही है वो पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा होती है जैसे बनारस की कास्ट कला वुडन तो बनारस की कास्ट कला की लोकप्रियता पूरे विश्व में है हमारे हमारे ग्रंथ बताते हैं इनका इतिहास राम राज्य से भी पहले का है इसमें लट्टू लट्टू से लेकर बच्चों के झूले तक का निर्माण किया जाता है तो दिस इज़ वुडन कास्ट कला इनमें वस्तुओं और खिलौनों को बनाने के लिए गौरैया नाम की जंगली लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है लाल हरा काला नीले रंग का उपयोग होता है तो दिस इज़ इंडियन वुड क्राफ्ट्स सिमिलरली लुक एट दिस पेंटिंग ये पेंटिंग है रागमाला रागमाला मतलब आर साउंडस नोट्स म्यूजिक इसको हमने पिक्चर फॉर्मेट में डिपिक्ट कर दिया तो रागमाला मिनिएचर पेंटिंग है रागिनी करनीति रागिनी करनीति यूजुअली सीन विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोलकी है यहाँ पे ये डेकन सेवेंटीन सेंचुरी का है तो दिस इज रागमाला यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है मिनिएचर इस मिनिएचर का क्या मतलब होता है कैन यू टेल मिनिएचर क्या होता है साथ ही साथ ये जो मुगल स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग था ये बड़ा सिग्निफिकेंट है मुगल स्टाइल पेंटिंग और स्पेशली शाहजहाँ के टाइम पे तो थ्रो सम लाइट ऑन दिस मुगल स्टाइल पेंटिंग एज़ वेल कि क्या इसकी फ़ीचर्स थे क्या इधर एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क हुआ मुगल स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग और मिनिएचर का मतलब क्या होता है ये भी बताइए दैन एम्पावर्ड विमेन प्रॉस्परस नेशन तो सी विमेन जो हैं ये फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन है हमारी जो नेचर है वो हमेशा स्पीशीज़ हर स्पीशीज़ को एक बैलेंस देती है बैलेंस देती है सो देर विल भी फिफ्टी परसेंट फीमेल्स एंड अराउंड फिफ्टी परसेंट मेल्स अगर फिफ्टी परसेंट फीमेल्स हैं अगर ये एम्पावर्ड नहीं है तो कंट्री की जो भी ग्रोथ है जो भी प्रोस्पेक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली डिवाइडेड बाय टू हो जाता है वन बाई टू हो जाता है तो विच इज़ नॉट राइट सो दैट इज़ वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ एम्पावर्ड वुमेन होना बहुत ज़रूरी है एम्पावर्ड वुमेन प्रॉस्परस नेशन तभी कंट्री प्रॉस्परस होगा जैसे कुछ स्कीम्स हैं मिशन पोषण टू क्या है मिशन शक्ति क्या है मिशन वात्सल्य क्या है मिशन शक्ति में अभी 50% परसेंट ईयर ऑन ईयर बजट एलोकेशन दिया है और आंगनवाड़ी को भी सक्षम आंगनवाड़ी दिया गया है अब आपका होमवर्क है बताइए एक लाइन में व्हाट इज पोशन टू पॉइंट ओ वॉट इज मिशन शक्ति व्हाट इज मिशन वात्सल्य एंड मिशन शक्ति में ये बजट एलोकेशन है और सक्षम आंगनवाड़ी शब्द से आप क्या समझते हैं तो इन सारे कीवर्ड्स के मतलब बताइए डिड यू नो में द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स द इंडियन एयरफोर्स नभ स्पर्शम दीप्तम टच द स्लाय द स्काय विद ग्लोरी टच द स्काई विद ग्लोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द इलेवेंथ चैप्टर ऑफ भगवत गीता तो दिस इज नभ स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी और लुक एट दिस ब्यूटिफुल आर्ट ये है वर्ली ये वर्ली की आर्ट है वर्ली वर्ली पेंटिंग में एक सिंपल ग्राफिक डिज़ाइन होता है जैसे देखो यहाँ पे सर्कल्स हैं स्क्वायर्स हैं ट्राइंगल्स हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है सर्कल्स डिमॉन्स्ट्रेट द सन एंड द मून एंड द अदर हैंड ट्राइंगल्स डिपिक्ट माउंटेन्स एंड पॉइंटेड ट्रीज द स्क्वायर इंडिकेट्स अ सैक्रेड एनक्लोजर फॉर द मदर गॉड इज सिम्बोलाइजिंग फर्टिलिटी तो देखो ये है वर्ली आर्ट अब आप जवाब दो ये वर्ली आर्ट इंडिया के किस पार्ट में प्रिवेलेंट है किस आर्ट किस पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है तो ये है वर्ली आर्ट ओके, okay. सो so, ये हो गया हमारा सोशल मीडिया अपडेट, हिंदू अब द हिंदू so, so, का फर्स्ट न्यूज है रेडी टू वर्क विद इंडिया फॉर स्टेडी ग्रोथ ऑफ टाइज तो चाइना ने कहा इंडिया के साथ क्लोजर टाइज के लिए वो विलिंग है विच इज रियली गुड थिंग बोथ कंट्रीज कॉमिटेड टू अपहोल्डिंग स्टेबिलिटी इन बॉर्डर एरिया स्टेबिलिटी इन बॉर्डर एरिया मेनटेन्ड कमिकेशन थ्रू वेरियस चैनल्स अब देखो ये न्यूज़पेपर में जो हम फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ते हैं ना आपका जो एग्ज़ाम है इस एग्जाम में आप यही भाषा का इस्तेमाल करोगे बाकी जो दूसरी हम ऐट टाइम्स पिक कर लेते हैं जिससे एट टाइम्स हमारा न्यूज़ मीडिया भी इ रेस्पॉन्सिबल सेंटेंसेज बोलता है चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ही रॉन्ग होता है उनका टोन टेक्चर इज रोंग तो वो चीज़ आप फॉर्मल कॉन्टेक्स में नहीं बोल सकते ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो यू विल यू विल आंसर योर क्वेश्चन ऑल द क्वेश्चन जो पूछे गए उनको एक फॉर्मल टोन में आप आंसर करोगे जैसे हमारा मिनिस्ट्री बोलती है यहाँ जैसे क्या है अगर चाइना की बात आती है तो हमें अपहोल्ड है स्टेबिलिटी इन बॉर्डर एरिया प्लस जो कम्युनिकेशन है वो वेरियस चैनल जैसे डिप्लोमेटिक चैनल हुआ ट्रैक वन ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुआ इनके थ्रू हमें यहाँ पर पीसफुल सॉल्यूशन निकालना है तो चाइना के यहाँ मिस्टर वैंगी ने बोला फॉरेन मिनिस्टर है स्टेडी एंड साउंड ग्रोथ इज रिक्वायर्ड स्टेडी एंड साउंड ग्रोथ इज रिक्वायर्ड मैं पता है इतना एम्फेसिस क्यों देता हूँ कि सब कॉन्शियसली भी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी ग्रेविटी को आपको नहीं भूलना चाहिए स्टेडी एंड साउंड ग्रोथ देन कॉमिटेड है स्टेबिलिटी इन द बॉर्डर एरिया वेयर टेंशन है तो मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल है डिप्लोमैटिक चैनल भी है चाइना एंड इंडिया हैव मेंटेन कम्युनिकेशन थ्रू द डिप्लोमैटिक एंड मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल और स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है तो चाइना का ये स्टेटमेंट आया है सी इंडिया के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिशियल वर्जनस होते हैं उसको हम पिक करते हैं तो दिस इज़ देयर इंडिया हमेशा से प्रो पीस प्रो डिप्लोमेटिक एंड प्रो लाइक जो टेंशनज हैं डिफ्रेंसेज हैं उसको मेचोरिटी के साथ सॉल्व करने का हमेशा से प्रेफरेंस इंडिया ने दिया है तो रेडी टू वर्क विद इंडिया फॉर स्टेडी ग्रोथ ऑफ टाइज अब ये चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है तो इसको कंसिडर सी प्लस एक और बात है चाइना की जब बात आती है तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सभी ने एक ही बात बोला है चाइनीज जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसको प्रॉपर वेरीफाई भी करना चाहिए ट्रस्ट बट वेरीफाई देन दिस इज इन रिवेटिंग पॉलिटिकल ड्रामा इन नेपाल प्रचंडा नेम्ड प्राइम मिनिस्टर तो नेपाल में भी अभी पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है तो पुष्प कमल दहल प्रचंडा साहब हैंड्स ओवर इज डॉक्यूमेंट टू प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी ये आपकी प्रेसिडेंट है नेपाल की काठमांडू में इस तरीके से ये चेंज हुआ है लेटेस्ट सी दैन दिस इज़ वाइट क्रिसमस वाइट क्रिसमस हैं ये टूरिस्ट हैं जैसे अभी स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको जो वीडियो बताया विंटर्स में आप कौन सी नई डेस्टिनेशन देखने जा रहे हैं ऐसा ना आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए इंडिया इज़ सो ब्यूटिफुल इंडिया इज़ सो ब्यूटिफुल लर्न अबाउट इंडिया देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल प्लेस अगर हमको जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन और अदर रीजन्स एटलीस्ट हम उनके बारे में जान तो सकते हैं हम टेक्नोलॉजी की एज में हैं तो लर्न अबाउट से गुलमर्ग जैसे आज का आपका होमवर्क है गुलमर्ग के बारे में जानिए गुलमर्ग बहुत ब्यूटीफुल सिटी है गुलमर्ग इन कश्मीर ऑन संडे तो मिनिमम टेम्परेचर इतना हो गया था कश्मीर का गुलमर्ग एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं विंटर स्पोर्ट्स तो सी तो लर्न अबाउट गुलमर्ग टुडे लर्न अबाउट गुलमर्ग टुडे ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड हाईकोर्ट ने कहा यहाँ पर दिस इज है पावर ऑफ फाइव न्यूट्री चॉइस दैन कोल्ड वेव हो गया है क्रिसमस कोल्डेस्ट डे था दिस सीजन सो फार एंड नाउ दिस इज माउंटेनियस टास्क एम सी डी आइज ओखला लैंडफिल फ्लैटनिंग बिफोर जी ट्वेंटी समिट अब देखो ये कचरे के पहाड़ कहने को दिल्ली में बट ऐसा हर सिटी में देखने को मिलता है इसको फ्लैटन करना है मतलब यहाँ का जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल करना है और टारगेट है जी ट्वेंटी समिट का जो है उसके पहले इसको फ्लैटन करना है इस पहाड़ कचरे के पहाड़ को फ्लैटन करना है तो दिस इज़ अ माउंटेनियस टास्क लेट अस सी ये जो भी यहाँ पे डिसीजन होगा ना इसको हम एज अ केस स्टडी देखेंगे केस स्टडी देखेंगे ताकि इन बाकी दूसरे जो हमें आंसर्स अक्सर लिखने पड़ते हैं अर्बन प्लानिंग वेस्ट डिस्पोजल एट्सट्रा यहाँ जो गवर्नमेंट मॉडल अपनाती है वो एक केस स्टडी की तरह वो मॉडल हम बाकी जगह भी एज अ टेम्पलेट यूज़ कर पाएंगे सो वी विल कीप अ वॉच ऑन दिस ज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज क्रिसमस की स्पिरिट सी दिस इज गुड फेस्टिवल टाइम्स बट कोविड नाइन्टीन के लिए भी वी ऑल हैव टू बी वेरी अलर्ट देन दिस इज डिफरेंट बीट्स तो ये है आर्टिस्ट और आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं पधारों मारे देश दिस इज राजस्थान ऑर्गेनाइज बाय द मारवाड़ी कॉम्युनिटी इन पटना पटना में है ये कॉम्युनिटी दैन दिस इज़ नेक्स्ट पेज ट्रांसफार्मिंग लाइव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एजुकेशन आइडियाज़ आर दीजा आर रियली इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मिंग वैल्यूज़ हैं इनकी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ग्रास रूट लेवल पे भी हमें चीज़ों को समझना चाहिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये नहीं कि केवल बुकिश है रियल ग्रास रूट लेवल के जो चैलेंजेस है वो भी आना चाहिए दैट इज़ वाई आपको पता है जब आपका सिलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में ही आपको सिटी और दिस पोस्टिंग एट्सट्रा मिलेगा अक्सर स्टार्टिंग के जो नए ऑफिसर्स आते हैं उनको रिमोट लोकेशन में भेजा जाता है ग्राउंड ज़ीरो पे भेजा जाता है लेवल जो है उनका ग्रास रूट डेमोक्रेसी समझने के लिए उनको एक्सपोजर देने के लिए ये काम होता है दिस इज़ अ वेलकम मूव तो सेंटर ने अभी जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन 2023 का किया है फ्री इसका स्कोप एक्सपैंड किया है दिस इज रिक्वायर्ड तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वेरी इम्पोर्टेंट ये स्कीम में फूड अलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन राइस व्हीट ये सारा है पाँच किलो का और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है पैंडमिक के टाइम से बहुत डिफिकल्टी आया था तो द आइडिया इज दिस इज़ रिक्वायर्ड फूड सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड तो अभी इतना सारा लिमिटेशन है डेटा दिया हुआ है वी नो द बेसिक्स वॉट इज दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अब द पॉइंट इज कि हमारा जो पॉलिसी होता है इसमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन के और भी जो एस्पेक्ट्स है जैसे सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं और जो पी डी एस में डिस्काउंटेड फूड भी मिलता है इन सबसे फिजकल कितना कितना बर्डन आ रहा है या कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है इधर फिजिकल प्रूडेंस रखना भी ज़रूरी है ऐसा नहीं कि हम हम जो चीज़ें वेलफेयर कर रहे हैं वेलफेयर के लिए हमारा जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाए और फाइनेंस डिफ़िकल्ट हो जाए तो देअर हैज़ टू बी लाइक अ बैलेंस बट अगेन दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम अभी कोविड नाइन्टीन का भी वी डोंट नो किस डायरेक्शन में जाने वाला है नेक्स्ट टू थ्री मंथ्स सो एफ सी आई एंड गवर्नमेंट का जो वर्क है यहाँ पे वो कमेंडेबल है टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है टारगेटेड बिकॉज यू नो हमारी इंटेंशन अच्छी होती है जैसे वेलफेयर की बात आती है अभी कोविड नाइन्टीन में डिफ़िकल्टी आया बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए और उन्होंने कहा कि हम वेलफेयर करेंगे हम लोगों की हेल्प करेंगे बट द पॉइंट इज हाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि किसको हेल्प की ज़रूरत है एंड हाउ विल यू डिलीवर दैट हेल्प टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ये सबसे नंबर वन डिफ़िकल्टी होती है कि हम आइडेंटिफ़िकेशन ऑफ़ बेनिफिशियरी कैसे करें कि किसको ज़रूरत है ये नहीं कि आपकी गुड इंटेंशन का मिस यूज़ हो जाए तो द पॉइंट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरी ऑफ दैट सर्विस टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमें पुअरेस्ट ऑफ़ द पुअर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं पीडीएस का यूनिवर्सलाइजेशन एक आइडिया होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हम बोलते हैं अगेन सब में चैलेंजेस हैं सो दैट इज़ वाई हम एक लाइक बास्केट ऑफ स्कीम्स रखते हैं बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स रखते हैं सो so दैट जो टारगेटेड बेनिफिशरी है सब हमारा कवर यहाँ पे हो जाए बिग कैश शॉर्ट फॉर्म दिस इज आई पी एल कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन एक्शन या अगेन बात आ गई है गवर्नर पोस्ट की गवर्नर पोस्ट में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल टू हंड्रेड तो गवर्नर का मतलब है गवर्नर जब राज्य स्तर पे राज्य विधानसभा से जो बिल आया है उसको जब साइन करेंगे तो वो बनता है एक्ट अब ये साइन करने में कई बार क्या होता है गवर्नर के ऊपर ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं डिसाइडेड है कि कितने टाइम पे साइन करना है तो एट टाइम्स इसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिले भी हो जाता है तो क्या ये डिफीट कर रहा है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस बात पे यहाँ पे सवाल है तो वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टिड बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फाउंडर्सिबरेट गैप्स इन टू फ्यूचर पार्लियामेंट टू मॉडिफाई एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज इन अकॉर्डेंस विद द एस्पायरेशन इन विल ऑफ़ द पीपल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो बहुत सारे सिंपल सिंपल बैर एक्ट्स होते हैं जैसे हमें राइट टू वोट दे दिया बट अब इससे रिलेटेड जो डिटेल्स आएंगे वो आर पी ए 1950 RPA 1951 के थ्रू आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डायरेक्शन बता दिया कि इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है बट बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की दिस इज़ द ब्यूटी सो दैट जो फ्यूचर की जो हमारी जनरेशन है पार्लियामेंट है वो डायरेक्शन वही रहेगा बट उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा चीजों को करने का फॉर एग्जाम्पल टीचिंग में भी वट आई ऑलवेज ट्राई कि आई हैव प्रोवाइडेड यू द डायरेक्शन कि आपको इस ट्रैक में इस डायरेक्शन में आगे दौड़ना है अब बट दौड़ना तो आपको पड़ेगा सो दिस इज वट यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किया वन ऑफ द साइलेंसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन आर्टिकल टू हंड्रेड अब देखो आर्टिकल टू हंड्रेड में कोई टाइमलाइन एज सच प्रिस्क्राइब नहीं किया और ये बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य स्तर पे गवर्नर जब साइन करना है बिल को तो उसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि छः हफ्ते में करना है छः महीने में करना है लाइक दैट देर इज़ नो टाइम लाइन सो द आइडिया इज एट टाइम्स इसका पॉलिटिक politic, पॉलिटिसाइजेशन भी होता है कई बार जो गवर्नर है जो ऑब्वियसली सेंटर का अपॉइंट ही होता है सेंटर का एजेंट भी कहा जाता है और जो राज्य सरकार है अगर डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो फ्रिक्शन हो जाता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज हम पॉलिटी देखेंगे यहाँ पे तो आर्टिकल 200 क्या बोलता है जैसे यहाँ पे बताया प्रोफेसर शिबन लाल सक्सेना जी ने कि पुरुषोत्तमन नामुंदरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि गवर्नर को कितने टाइम पे हाँ बोल रहा है या ना बोलना है यह डिसीजन लेना है इनडेफिनेटली पॉकेट वीटो इनडेफिनेटली वो डिसीजन ही नहीं लेंगे उसमें दिस इज ऑल्सो डूएबल पॉसिबल तो ऐसा मैटर अगर कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट अब क्या डिसीजन ले कोर्ट ने कहा गवर्नर मस्ट ऑनर द विल ऑफ़ द लेजिस्लेचर एंड दैट द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर एक्ट ओनली इन हारमोनी विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कोर्ट ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं और बताया कि जो एक फैब्रिक है जो एक रिलेशन है गवर्नर और कॉम कौ के बीच में उसको मेंटेन किया जाए तो द विद होल्ड्स एसन टू अ लॉ वैलिडली पास बाय द लेजिस्लेचर ही इज़ अन डूइंग द विल ऑफ द लेजिस्लेचर अब देखो गवर्नर इलेक्टेड नहीं है जो काउंसिल है जो विधानसभा है वो विधायक है वो चुनाव जीत के आए तो वो पीपल का मैंडेट रखते हैं तो गवर्नर को लॉगर हेड पे नहीं आना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए बट कोर्ट ने सच कुछ बताया भी नहीं कि कितने टाइम पे उसको ओके करना है अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हैं यहाँ पे जिसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा है तो क्या हमें रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है गवर्नर की जो पोस्ट है कि एक रिफॉर्म एक टाइम लिमिट दे दें कि छः महीने में आपको यस और नो बोलना है लाइक like दैट तो गवर्नर जो बनाया गया पोस्ट अगर हम वापस कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो द पर्पज आर्टिकल 200 दिया गया था वो ये था कि एक चेक एंड बैलेंस हो ऐसा नहीं हो कि राज्य की जो विधानसभा है वो हेस्टी वे में कोई बिल पास कर दे या फिर वो बिल रिपग्नेट टू द यूनियन लॉ हो जाए डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी मतलब कि वो यूनियन के जो लॉज है उसके अगेंस्ट जा रहा है तो इन चेक एंड बैलेंस के लिए गवर्नर की एसन का प्रोविजन था बट ये चीज़ गुडविल में था गवर्नर विल एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट हेस्टी लेजिस्लेशन बाई देर ऑपरेशन इनेबल द स्टेट गवर्नमेंट तो द आइडिया इज़ एक चेक एंड बैलेंस था वहाँ पर सरकारिया कमीशन ने भी बोला था कि क्या इससे जो फेडरल इकोसिस्टम है वो क्या डिफ़िकल्टी पे तो नहीं आ रहा है गवर्नर एस एन इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए क्यों ना ऐसा तरीका अपनाए कि कोई भी बिल आने से पहले जिसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर ले लें उनसे डिस्कशन कर लें देन फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाए ताकि सिंक में हो सारी चीज़ें क्योंकि डिले का मतलब क्या होता है डिले का मतलब सारी प्रोसेस डिले हो गई रीजनेबल टाइम पे नहीं है दिस इज़ इनजस्टिस सो यही बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत जगह साइलेंस है वो विजडम ऑफ लेजिस्लेचर एंड विजडम ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पे वो बात छोड़ देता है तो द पॉइंट इज इससे एन नहीं आनी चाहिए रूल ऑफ लॉ में यही चीज वी आर कृष्णा अय्यर जी ने कहा था शमशेर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब मे बी अवर फाउंडिंग फादर वर नॉट पॉलिटिकल प्रॉफिट्स हु कुड फोर्स सी ग्लैरिंग अब्यूज और परवर्टेड डेवलपमेंट लेटस सी देन दिस इज फॉरेस्ट राइट्स एंड हेरिटेज कंजर्वेशन की बात है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ ट्राइबल पीपल भी हैं फॉरेस्ट में रह रहे हैं लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट में डिपेंडेंट है तो उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में सर्टेन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और उनकी लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए फाइटिंग द मेनेस ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग दिस इज अगेन अ डिफिकल्टी इंडिया बहुत अच्छा खेला टू जीरो से क्लीन स्वीप दैन ब्रिटेन टू इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग बाई ओवर बिलियन पाउंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वर्ड जा रहा है यूक्रेन क्राइसिस है जैपैन अब अपना अच्छा खासा डिफेंस बजट जो है वो मिलिट्री में दे रहा है सिमिलरली इज जर्मनी सिमिलरली इज दिस ब्रिटेन सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी ओमिक्रॉन की सब लीनियजेस हो सकता है इसमें बिल्कुल आर एन डी नहीं करना है इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम जस्ट नो द बेसिक्स वायरस क्या होता है वेरिएंट क्या होते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है ये क्या है ओमिक्रॉन है और मास्क लगाना जरूरी है सो दिस इज दैट डार्क पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट हाउ कंपनीज आर ट्रिकिंग देयर यूजर्स सी अक्सर आपने कभी नोटिस किया है आप कोई चीज गूगल करते हो और हर जगह आपको उसके एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं अक्सर आपने नोटिस किया है कि आपको जिस बात का डर है उस डर का अक्सर कंपनीज या फिर सोशल मीडिया में उसको यूटिलाइज किया जाता है अगेंस्ट यू एफ ओ एम ओ फीयर ऑफ मिसिंग आउट जो है कि एवरीबडी इज़ डूइंग दिस एवरीबडी इज डूइंग दैट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप पिछड़ जाओगे दिस एंड दैट तो ये फियर साइकोसिस पे वो खेलते हैं साइकोलॉजी पे थर्ड चीज़ आपने नोटिस किया है जितना भी विट्रीओल है हेट्रेड है वो ऑनलाइन कंटेंट में ज़्यादा दिखता है आपको वाई बिकॉज़ पीपल एनोनिमस होता है एनोनिमस होता है कई बार फेक प्रोफाइल है फेक नेम है कोई आइडेंटिटी नहीं है तो पीपल फाइंड इट वेरी लाइक एट टाइम्स वो डिस्टॉर्टेड होती है उनका जो कॉन्टेंट होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है प्लस एट द सेम टाइम इससे बहुत ज़्यादा दिस हॉस्टिलिटी भी आती है और इससे जो चीज़ें आती है इंटरनेट में ये एट टाइम्स बहुत डैमेजिंग भी होती है प्लस एक और फैक्ट होता है कि एक होता है इनफाइनाइट इनफाइनाइट जैसे यूआई जो डिज़ाइन की जाती है इनफाइनाइट यूआई नेवर एंडिंग प्रोसेस चलती ही जा रही है जैसे आप पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट्स में जाओ उनके एप्लीकेशन देखो वो इन्फाइनइट यू है इन्फाइनाइट स्क्रॉल चल रहा है सो द पॉइंट इज़ वो कभी एंड होगा ही नहीं आपको हमेशा मोर 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 एंड दिस विल नेवर एंड तो ये डार्क पैटर्न है ये डार्क पैटर्न है इंटरनेट का और ये ट्रिक कर रहा है यूज़र्स को आफ्टर आफ्टर सम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इन पर स्पेंड करोगे यू विल सी यू विल स्टार्ट फीलिंग एग्जॉस्ट बिकॉज दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस सो ये एक पैटर्न है साइकोलॉजी क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आजकल बन रहा है इसमें बहुत हद तक यूज़र साइकोलॉजी यूज़र पैटर्न यूज़र डेटा की क्रंचिंग की जाती है देन डिसीजन मेकिंग होता है सिमिलर इज द केस विद करंट अफेयर्स आप में से काफ़ी लोग अब काफ़ी टाइम से इस इको में है एग्जाम प्रिपरेशन में कभी आपने ये रियलाइज़ किया करंट अफेयर्स इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस हर चीज़ बहुत फैंसी दिख रहा है हर चीज़ बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है और आप हर चीज़ को बहुत डेप्थ एंड डिटेल में उसके पीछे भाग रहे हो व्हाट इज़ द यूटिलिटी यूक्रेन क्राइसिस में पी कर लिया व्हाट इज़ द यूटिलिटी सो अगेन There has to you have to draw a line you have to draw a line because your time is limited time is limited all of you want to qualify this exam in one year itself so how will you manage you have to draw a line so that is why जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ draw line करना जरूरी होता है यहाँ पे otherwise आप इसमें dark pattern में, में फंस जाएंगे और फिर जैसे-जैसे exam -जैसे आएगा you will start panicking अभी December आ गया mark my word February में देखना आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होगी जो मैं डेली बेसिस में आपको बताता हूँ देन ही इज अ रेबल हु विल फाइट इन पावर तो यहाँ लिखा है द यंग मैन वेंट हे वायर हे वायर मतलब वो मेल फंक्शन कर रहा है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट एसेंट्रिक वे में ऑड मैनर में वो वर्क कर रहा है देन इसके अलावा मेल कंटेंट एंड अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिविजुअल है अनहैप्पी दे फाइंड फॉल्ट विद द थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम एंड अनहैप्पी इंडिविजुअल में चूज नॉट टू टॉक अबाउट द कॉज ऑफ इज अनहैप्पीनेस ही मे कीप इज थॉट्स टू हिमसेल्फ एंड मे डू नथिंग टू चेंज द सिचुएशन तो ये अनहैप्पी है मैल कंटेंट होगा वो चुप नहीं रहेगा वो नॉट ओनली कंप्लेन करेगा बट अबाउट द सिचुएशन बात करेगा तो वो मैल कंटेंट हो जाएगा ओके तो मैल कंटेंट इज अ मैन ऑफ एक्शन ही इज अ रेबल रेबल हु इज विलिंग टू फाइट दोज इन पावर ओके दैन इसके बाद है वाइल्ड क्लाइंबिंग आई हैड अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज इट ओके टू से टू सी नो डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग यू डू नॉट हैव अ डिफिकल्टी अ डिफिकल्टी नहीं द इज यूजअली ड्रॉप्ड फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन हैड डिफिकल्टी अ डिफिकल्टी नहीं द चिल्ड्रन हैड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वॉट द टीचर वॉज से न्यूज पेपर इज अ डिवाइज फॉर मेकिंग द इग्नोरेंट मोर इग्नोरेंट एंड द क्रेजी क्रेजी आर ओके सो दिस इज डिफिकल्टी ओके डिफिकल्टी दैन का मतलब होता है विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट ओके लाइक कॉम्पलाइंट है विलिंग है अग्रीएबल है डोसाइल है लाइक दैट अब फॉर्म अ भूटान किंग वॉन्ट इंडिया अबाउट चाइना एंड दिस इज लद्दाख स्टैंड ऑफ देन जजेस रिटायरमेंट एज का भी बात चल रहा है लेटेस्टी कैक डिटेक्ट डिस्क्रिपेंसी इन एनआरसीड फेस्टिवल्स प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला सेलिब्रेट फेस्टिवल्स बट कोविड नाइनटीन प्रिकॉशंस के साथ बी केयरफुल देन फोर्टीन मोन्यूमेंट साइट्स डिक्लेय प्रोटेक्टेड इन थ्री ईयर तो ये वायराद में ये थ्री ईयर प्रोटेक्टेड साइट्स हुआ है अभी तीन नई साइट्स आई है यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए टेंटेटिव है अभी लेटेस्ट आया है कैन यू

अब हम आते हैं आपके आंसर सबमिशन्स में तो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर के ये दो सवाल थे गिविंग परमिशन टू द नाइट लाइफ कल्चर मैरिट्स एंड डी मैरिट्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द कैग अब देखो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कैग आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना था और लिख के एक नोट शॉर्ट नोट तैयार करना था ये शॉर्ट नोट आपको आगे काम आता बहुत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लिख के देख लेते हैं तो चीज़ें याद होती है तो आपका खुद के हैंड रिटन नोट्स भी साइमल्टेनियसली बन रहे हैं सेकेंड है गिव गिविंग परमिशन टू द नाइट लाइफ कल्चर अब इसमें भी ना हमें इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स इसको बड़े ऑब्जेक्टिव वे में करना था और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीधा यंगस्टर्स से पूछा जा रहा है अभी इंटरव्यू में भी सवाल उठ सकता है कि नाइट लाइफ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है क्या ओपिनियन है गिविंग परमिशन टू द नाइट लाइफ कल्चर जैसे दिल्ली में अभी एक बजे तक अलाउ कर दिया है तो मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है मुंबई कभी सोता नहीं है नाइट लाइफ कल्चर सी इसमें बड़े मैच्योरिटी के साथ हमें इस टॉपिक को देखना था लेटेस्ट सी आपने क्या कहा really, really बट अगर आपको एक पेज में लिख के देने को बोले तो आप लिख पाओगे क्या इसलिए लिखना बहुत जरूरी है राइट एंड यू विल रियलाइज कि मैं इतना क्यों एम्फेसिस करता हूं लिखने पे। आप सब लोग मेंस लिखने जाओगे आई बिलीव Prelims बहुत अच्छा करोगे वेन यू विल गो टू राइट द मेन एग्जामिनेशन रिमेंबर मी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है तो लिखना बहुत जरूरी है 148, 149, 150, 151। भी लिख दिए। समराइज कर दिया पूरे चैप्टर को फैंटेस्टिक नंदनी कैग के बारे में लिखा देखो अब ये स्टाइल कितना अच्छा है अंबेडकर साहब बाबा साहब हमारे जो चेयरमैन थे ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन उनके स्टेटमेंट से स्टार्ट किया वेरी नाइस देन कैग क्या होता है इसकी जिम्मेदारियां क्या होती है वेरी गुड तो अब ये पैराग्राफ वाइज लिखा कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए यहाँ पे हमने गुड कुछ हम डायग्राम्स भी बना सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट फंक्शंस वेरी वेल समराइज वेरी वेल समराइज पैक के बारे में लिखा इश्यूज क्या है देन रिफॉर्म्स नीडेड अब देखो ये बड़ा अच्छा सेक्शन है यहाँ पे रिफॉर्म्स नीडेड तो इससे उन्होंने सॉल्यूशन भी बता दिया है अब देखो रिफॉर्म सजेस्टेड बाय विनोद राय साहब फॉर्मर कैक तो अगेन करंट अफेयर्स का एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉपी वेल डन देन सेकेंड है नाइट लाइफ के बारे में तो देखो इसमें भी लेटेस्ट डेट लिया है कि क्या होना चाहिए क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा ऑब्जेक्टिवली हम पॉइंटर्स बता सकते हैं ज़रूरी नहीं कि हम अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं बट यू हैव टू प्रेजेंट योर ओपिनियन और वो भी बड़ा ऑब्जेक्टिव वे में ओके okay? आप जैसे गजानन ने भी बोला जैसे गजानन इसने बताया फायदे क्या होंगे आर्थिक वृद्धि होगा वातावरण होगा सुरक्षा कराना तो सबकी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट बॉडी की भी एज अ सोसाइटी भी तो दिस कुड नॉट बी एक्सक्यूज की बिकॉज सुरक्षा नहीं है तो नाइट लाइफ हम नहीं दे रहे नू no? इट इज़ गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज सोसाइटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी तो द आइडिया इज देर आर गुड थिंग्स एज वेल एज देर कुड बी सर्टेन चैलेंजेस एज वेल लॉ एंड ऑर्डर एक चैलेंज हो सकता है वेरी नाइस nice. सत्या सत्या ने भी बहुत अच्छा लिखा कैग के बारे में बताया सी वेरी नाइस nice, सी वेरी गुड योर हैंड राइटिंग इज गुड कैग वेरी नाइस nice. उसको समराइज़ किया लेटेस्ट भी जो चीज़ आएगी ना वो भी हमें लिखना है अब देखो कामिल ने भी वही बात लिखा बट कामिल का स्टाइल देखो नाइट लाइफ क्या होता है सबसे पहले तो इसने ये बताया कि वॉट इज नाइट लाइफ वेरी गुड स्टार्ट फिर मेरिट्स बताए इकोनॉमिक सोशल सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर अब देखो ये सारे टॉपिक्स आपको जीएस वन टू थ्री फोर सिलेबस से दिख रहे हैं ना तो दिस इज़ अ वेरी गुड आंसर देन डीमेरिट्स बताए सोशल क्राइम एनवायरमेंट डिस्टर्बेंसेज एथिक्स ऐसे करके आप डीमेरिट्स भी बता दो और फिर फाइनली आप अपना एक कॉन्क्लूजन बता दो कि एक रेगुलेटेड वे में विद सेफ्टी सिक्योरिटी हमें इसको करने से क्या फ़ायदा होगा और क्यों नहीं करना चाहिए लाइक दैट योर ओपिनियन तो दिस इज रियली बैलेंस्ड आंसर वेरी गुड अदिति देखो ये कितना अच्छे से लिखा है कैग क्या होता है ड्यूटीज पावर्स वेरी नाइस दिस इज रोल अदिति आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसको कॉन्टिन्यू करो दिस इज रियली गुड शगुफ्ता शगुफ्ता ने भी देखो कितना अच्छा लिखा है लैंग्वेज इज ऑल्सो रियली गुड प्रोविजंस देन फंक्शन सी स्टाइल इज़ गुड कैग के इसमें और डिटेल्स और नए पॉइंट्स भी लिखने हैं आज की डेट में क्या चैलेंजेस हैं क्या सोल्यूशंस हैं कुछ इनोवेटिव लाइक दैट अब सी ये सवाल भी बहुत अच्छा था ऐसे सवाल क्या होते हैं वो स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस को जानने के लिए पूछे जाते हैं कि आप क्या बहुत रिजिट तो नहीं हो या फिर आप समय के साथ चीज़ों को किस किस लेंस के थ्रू देख रहे हो उन चीज़ों को ये व्यू पॉइंट होता है स्पेशली इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछने का तो देखो इधर ऑब्जेक्टिव टेक है मेरिट क्या है इकोनॉमी हो गया जॉब एम्प्लॉयमेंट हो गया ऑब्वियसली टूरिज्म होगा देन सो मेनी दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एट्सेट्रा तो देर इज अ मेरिट डी भी हैं इससे ये सारी प्रॉब्लम होगा अक्सर लेट नाइट पार्टीज हो रही है बट जिनको सोना है तो उनके लिए तो बहुत डिफिकल्टी हो जाता है तो दिस इज़ अगेन वन चैलेंज फिर वे फॉरवर्ड भी बताया सी दिस इज़ वेरी वेरी वेल कंक्लूडेड फेंटेस्टिक रत्ना प्रिया सी आपने भी बताया डी है, क्या हैं सेफ्टी दिस दिस सो मेनी थिंग्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सॉल्यूशंस ये अब देखो ये सॉल्यूशंस बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और जिस तरीके से पॉइंट्स पे लिखा है रत्ना प्रिया ने दिस इज़ गुड गुड स्ट्रैटेजी नाइट लाइफ क्या है मैरिट क्या है डी मेरिट्स क्या है आर्टिकल ट्वेंटी वन पॉलिटी भी आ गया फेंटेस्टिक समीर ने लिखा है बंगाली में सो so, कैक के बारे में पूरा कंसोलिडेट कर दिया वेरी नाइस दिस इज़ रियली गुड कैक क्या है क्या पावर्स है बुक से हमने और एक्स्ट्रा कंटेंट देख के कॉन्क्लूड कर दिया अब इसमें जो करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ आएगी ना वो भी एक पेज एक्स्ट्रा रखना और ऐड कर देना समीर ने नाइट लाइफ के बारे में भी बताया दिस इज़ नाइट लाइफ कल्चर वेरी नाइस दिस इज़ गुड दमन दमन भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है कैक के पर कॉपी देखो कितना अच्छा हो गया वेरी नीट एंड क्लीन कॉपी इश्यूज क्या है कॉन्क्लूजन और कुछ अपने आइडियाज भी बताओ दो इशूज़ को दूर करने के लिए रत्ना प्रिया दिस इज अगेन गुड आपने पूरा यहाँ पे बताया वर्क ऑफ कैक क्या है लेटेस्ट चीजें भी बताओ यहाँ पर देन दिस इज गजानन गजानन ने भी बताया कैक के बारे में समराइज कर दिया अब आपको कैग आता है अच्छे से तो डजेंट मैटर ये यूपीएससी में पूछा जाए या स्टेट पीसीएस में यू विल बी एबल टू आंसर मारुति दिस इज गुड सी मारुति ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है सी कैक ऑडिट दिस स्टाइल इज गुड ऐसा प्रेजेंटेशन विजुअल्स अच्छे होते हैं आपकी लैंग्वेज राइटिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है दिस इज गुड प्रियंका सी अब देखो प्रियंका इज वेरी ऑब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस बहुत लॉजिकल है ऑब्जेक्टिव है इंक्लूड्स क्या है ये सारे नाइट आउल्स मेरिट्स डी मेरिट्स एंड वे फॉरवर्ड बैलेंस्ड वेरी नाइस सो so, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए लिख के अपनी चीजों को देखना चाहिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे सो right? so, जो सवाल है आज का सवाल यह है कि ये जो आपको जो डॉक्यूमेंट दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसको पूरा समराइज करना है आपको ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ